cosas que dieron, a ver qué se paga de que die, pero se han pagado en el que pero se han metido a ver qué die, आज तमाम दिनों में इनकी हजार की बराबर के लिए इस सत्य आजाद की कबूलियत के लिए और बाद से सत्य आजाद इमाम साहब जमान सलाम के दरों की अजीम के लिए बआवाज़ बुलंद सलामात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस पहली मरतबा इस इलाके में नहीं हो रहे, बंदे पुरानी आजादार हो सलवात की नियत से बात तो आप सब ने मिलकर सलवात नहीं पढ़ी, आले मुहम्मद के सारे सलवात करो। اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات وہ ورد ہیں کہ انسان کے جتنی دل میں حاجتیں ہوتی ہیں جتنی انسان کی ضروریات ہوتی ہیں انسان ایک مرتبہ صلوات کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ جتنی حاجات زیادہ ہیں اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا الله يا مقيل العثرات يا كاشف مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى الحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى صلوات وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد دعاء مالك الكائنات في حاضري مصطفى الان ذكر عالمهم قرنا عمر الحي وشكتك ونفي عزيز الكاملتو اسم مقدس صفي ما كنت بسانا قدرت دوس کی بارگاہ میں بطور اجر رسالت قبول کر زبانی گرامی اگر یہ ماتم مجلس سرکارہ بارگاہ مادر حسین میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اور اگر قبول نہ ہو تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار نیتوں پر، زہرا کے پاک بابا نے ارشاد فرمایا ہے عمل وہی اچھا ہے جس کے لیے پاک نیت سے عمل کو شروع کیا جائے۔ جی آپ سارے جتنے قدم چل کے آئے ہیں مالک آپ کے قدموں کو عبادت شروع شمار فرمائے۔ خیر بی بی کی مجلس کے لیے آئے ہو، تھوڑا اگر زحمت کر کے جگہ پور کر دیں گے تو مجلس کا ماحول، جوان جتنے تشریف فرمائے مہربانی فرمائیں یہاں آ جائیں گے تو آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे जितने भाई जवान मजलिस की जीनत बनने के लिए उसके आगे तशरीफ लाएँ, बुजुर्ग सारे दुआ करो, मालिक इन जवानों को ज़माने में किसी का मोहताज न करे। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी को बाबरकत और अजीम बनाए। एक मरतबा फिर भी सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाले मुहम्मद का। बुजुर्गाने गिरामी, लंबी बातें नहीं, बग़ैर तुलो तहरीक के मेरा घर है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस मजलिस में ज़रूर हाजिर हूँ। आज भी लंबा सफ़र करके मेलसी से आपकी खिदमत में अभी हाजिरी का शर्फ मिल रहा है, क्योंकि शफकत साहब छुट्टी देते नहीं, तो आपकी खिदमत में हाजिरी जो है बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में हाजिर भी हूँ और जितनी खिदमत मैं कर सकता हूँ। मैंने उनकी बात नहीं की, क्योंकि इल्मी दावा नहीं, खिताबत का फन नहीं, हमेशा एक ही दावा है कि कश्तोले हिदायत को लेकर वालिया विलायत शहनशाह नजफ़ की बारगाह में पहुँचे हैं। जो करीम ने खैरात अता की है वो उनके मानने वालों तक पहुँचाना है। कि आप जिए, आपके बच्चे जिए बग़ैर तूलो तमदूद के। बिस्मिल्लाह, मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम बुजुर्गान जवानान को। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में एक जुमला इरशाद फरमाया, आज इसी का मैंने मौजू सुखन करार देना है। और अच्छी बात यह है कि मेरे मुख्तरम, मेरे बुजुर्गवार के बिना जब नैफी साहब मेरे दाई तरफ तशरीफ़ फरमाए हैं, तो ये तायीद भी मिलती रहेगी और एक बेहतरीन माहौल बनेगा। और मेरे बाद भी किबला शमशीर हसन काजमी साहब को तशरीफ़ ला रहे हैं, और इंशाल्लाह मजलिस का माहौल तो बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई पाकीज़ा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया शिया सुनियों, ए इंसानों, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, दो काम अल्लाह के साथ मखसूस हैं। दो काम अल्लाह ने अपने लिए मखसूस कर दिए। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, खल्क करना भी उसका काम है, अम्र करना भी उसका काम है। तवज्जो फरमाइए। और फिर ये कहने के बाद उसने कहा तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, और पाक और पाकीज़ा है वो जो सारे आलमीन का रब है। तवज्जो हाथ फरमा लीजिए, तर्जमा हो गया। मैं बस इसी को थोड़ा सा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया दो काम मेरे, एक है खल्क, दूसरा है अम्र। तवज्जो आपकी ज्यादा है और करम मौला शहनशाह अली बादशाह का है। मुश्किल बात एक लम्हे में आसान है, शर्त फकत तवज्जो है। उसने कहा कि मेरे दो काम है, एक है खल्क, दूसरा है अम्र। भाई ये खल्क क्या है, ये अम्र क्या है? तो अजीजाने मोहतरम, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी खिलकत को समझाने के लिए थोड़ी सी इको, भाई इको थोड़ी सी कंट्रोल, इको थोड़ी सी कम, बाकी ठीक है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह ने ये दोनों बातें समझाने के लिए अपने नुमाइंदे भेजे कि बंदों को मैंने कह तो दिया है कि खल्क मैं करता हूँ, लेकिन कैसे करता हूँ बंदे परेशान हैं, तो लिहाजा इनको बताया जाए कि ये खल्क कैसे होती है। तो अल्लाह ने एक उलिल अज़्म नबी को भेजा और उसे मौजज़े में दुनिया में नाजिल किया। ऐसा मौजज़े के साथ आने वाला नबी के जिसका दुनिया में आना ही मौजज़ा, जिसका नाम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी बुजुर्गों, मेरा साथ देना जी, जिसका दुनिया में आना ही मौजज़ा है या नहीं, कि बिन बाप के जो दुनिया में आ जाए ये मौजज़ा परवरदिगार है या नहीं? तो उस भेजे हुए नुमाइंदे को उसने ड्यूटी क्या लगाई, भाई मेरे बंदों को समझा मैं खल्क कैसे करता हूँ। तो सरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चढ़ के उतर टिपे थे, उन्हें क्या हो भाई, बात जाओ जी, मैं आपको एक बात दिखाऊं। क्या जी? इन्नी अखलुकु लकुम कहे अततर, इन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहे अततर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, कि मैं मिट्टी से बनाऊंगा परिंदे की शक्ल। तवज्जो, इन्नी लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, इन्नी अखलुकु लकुम, मैं खल्क करूंगा, इन्नी अखलुकु लकुम, मैं तुम्हारे लिए खल्क करूंगा मिट्टी से। क्या
हैअत तैर परिंदे की शक्ल बनाऊंगा मिट्टी से, फान फोको फी है उसमें मारूंगा फूंक, फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह और वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाएगा। तवज्जो हाथ चाहता हूं जी। तो हजरत ईसा ने परिंदे बनाने शुरू किए और उसका काम पहला क्या था, पहले ली मिट्टी, उन्होंने बोलिया जी मेरे नाल, पहले क्या लिया मिट्टी, फिर लिया पानी, फिर उनको गूंधा, फिर उसका बना लिया गारा। उससे बनाने के बाद हजरत ने बैठ के बनाए परिंदों के शक्लें और बनाने के बाद उनको रख दिया धूप में। नहीं तवज्जो फरमाइए, मैं क्या कर सकता हूँ अजीजान। उनको रख दिया धूप में और वो खुश्क होना शुरू हो गए और साथ साथ में हवा भी चलती रही, हवा ने उनको खुश्क किया। अब जहाँ पे रखा वो भी कोई जगह होनी चाहिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम खिलपत कर जमाने को समझा रहे हैं कि जिस चीज से खल्क हो उसका मटेरियल भी चाहिए, उस मटेरियल के साथ साथ वो जगह भी चाहिए जहाँ पे रखा जाए, साथ में हवा भी चाहिए जो खुश करे, ऊपर से सूरज की तमाजत भी चाहिए जो उसको खनखनाता हुआ बना दे। अजीजा ने मोहतरम तवज्जो फरमाई ना कि खल्क के मरहले में मटेरियल चाहिए, जमीन चाहिए, सूरज चाहिए, हवा चाहिए, टाइम चाहिए। भाई जब भी आप कोई चीज बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है ना, भाई ईंटे बना के फौरन मकान तो नहीं बनते, पहले उनको बनाया जाता है, जब वो अपनी जगह पर पूरी तरह सेट हो जाते हैं फिर उसके बाद उनको पकाया जाता है। गौर फरमाने अज़ीज़ाने मोहतरम, तो ये मरहलाए खिलकत समझाया जा रहा है कि जब खिलकत करना हो ना उसका तरीका यह, पहले मटेरियल, फिर जगह, फिर सूरज, हवा, टाइम। तो इस टाइम को कहते हैं जमान, जहां पे रखा जाए उसे कहते हैं मकान। तो मटेरियल भी चाहिए, जमान भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सूरज भी चाहिए, हवा भी चाहिए, ये सारी चीजें मिलकर कोई चीज की खिलकत की इब्तिदा करती है। और फरमा रहे ये सारी चीजें मिले तो खिलकत होती है, यानी जब खल्क करना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि इनको बताओ जब खल्क करना हो तो ये सारी चीजें चाहिए। हजरत ईसा ने बनाए परिंदे, पहले ली मिट्टी, फिर लिया पानी, उनको गूंधा, फिर एक जगह बनाई मकान जहां पे उनको बनाया, फिर उनको रखा, फिर एक टाइम दिया, ये है जमान, फिर सूरज, फिर हवा, ये सब कुछ जब हो गया ना, अब कहा आओ फअनफुखु फीहि, अब मैं उसमें रूह फूंक रहा हूं, फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह और वो बन जाएगा परिंदा अल्लाह के हुक्म से। गौर फरमा लिया अज़ीज़ा ने मोहतरम। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमाने को समझाया कि जब खिलकत होती है तो खिलकत के ये मराहिल होते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब कुरान में कहा कि मैं आदम को बना रहा हूं तो शैतान ने क्या कहा, गौर फरमाना भाई, सब ने सजदा किया, शैतान ने नहीं ना किया, बाबा जी उसने कहा क्या, उसने कहा खलकतहु मिन तीन, खलकतनी मिन नारिन फखलकतहु मिन तीन, मुझे बनाया है आग से, इसे बनाया है मिट्टी से, तो मैं इसे सजदा क्यों करूं। यानी अल्लाह आदम को बनाए तो भी मिट्टी से बनाता है, यानी कुरान कह रहा है कि मिट्टी से बने। अच्छा सरकारे दो आलम ने क्या फरमाया, सरकार ने फरमाया कौन तो नबीयन व आदम बैनल मा एवत तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी में था, यानी मट्टी अलग थी पानी अलग था। तो पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी भी ली, पानी भी लिया, फिर गूंधा भी सही। अच्छा जब आसमानों को बनाया ना तो कुरान में अल्लाह ने कहा मैंने सात आसमान बनाए हैं छह दिनों में, कितने दिनों में, छह दिनों में। तो इसका मतलब यह हुआ मट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, छह दिन भी चाहिए, छह दिन जमान है ना, छह दिन यानी जमान। खुदा कहना यह चाहता है कि मरहले तखलीक में मटेरियल भी चाहिए,
सामान भी चाहिए, मकान भी चाहिए, और उसके साथ जितने लवाजमात हैं वो अपने पूरे एतबार से जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे खिलकत नहीं होगी। लिहाजा अल्लाह ने ईसा को भेजा, ईसा ने पूरी खिलकत का तरीका बताया, इसी तरीके से परिंदे बना के उड़ा के बताया कि इस तरह से अल्लाह खिलकत करता है। तवज्जो चाहता हूं मेरे भाइयों, ये है अल्लाह का वो नुमाइंदा जिसने समझाया अल्लाह की खिलकत क्या है। और मैंने कुरान से भी आपको मिसालें दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब खल्क करता है तो मटेरियल को, जमान को, मकान को, इन चीजों को साथ रखता है, फिर जाके किसी चीज की होती है तखलीक। अल्लाह ने फरमाया मेरे हैं दो काम, एक है खल्क, दूसरा है अम्र। भाई खल्क तो समझ आ गया, ये अम्र क्या है? तो सूरह यासीन में उसने इशाद फरमाया कि इदा इदा अरादा अन यकून शैअन फयकूल लहू कुन फयकून, कि जब मरहला अम्र होता है ना, फिर अल्लाह मिट्टी पानी लेके गूंधने नहीं बैठता। तवज्जो चाहता हूं अजीजान, ये है अम्र, कि जब अम्र की बारी आती है ना तो तब अल्लाह गूंधता नहीं, मटेरियल को लेके नहीं आता, बल्कि कहता है हो जा, हो जा, तो वो हो जाता है। मेरे अजीजों जितने जवान हैं सबकी निगाहें सवालिया मेरी तरफ है, भाईजान ये आपने कुरान से ये तो बता दिया कि खल्क कैसे करता है अल्लाह। अल्लाह ने अपना एक नुमाइंदा भेजा ईसा, उसने सारे मराहले खिलकत को तय करके ये तो समझा दिया कि खिलकत कैसी होती है। अब ये बताइए अल्लाह ने कोई अम्र भी समझाया है या नहीं? वो बंदा मजलिस में आया ही नहीं जिसने मेरी इतनी लंबी तकरीर का खून कर दिया एक लम्हे के अंदर। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह ने अम्र समझाने के लिए भी नुमाइंदे भेजे हैं, उनको उलिल अम्र का नाम दिया है। तवज्जोहात अजीजा ने मोहतरम, भाई अल्लाह ने खलकत समझाने के लिए ईसा जैसे उलिल अज़्म भेजे हैं। जो खिलकत समझाए वो उलुल अज़्म है, जो अम्र समझाए वो उलुल अम्र है। तवज्जो अच्छा तो अजीजा ने बताया, भाई जो खिलकत समझाए वो है उलुल अज़्म, और जो अम्र समझाए वो है उलुल अम्र। जिसने खिलकत समझाना थी जाहिर है वो मराहिल सारे खिलकत के तय करना थे, तो उन्होंने तय करके बताए, परिंदे उड़ा के बताए कि भाई इस तरह मिट्टी से परिंदे बनते हैं, इस तरह सूखते हैं, इस तरह जमानों मकान की जरूरत होती है, इस तरह सारे मराहिल तय करने के बाद फिर खिलकत की होती है इब्तदा। अब जिनको अल्लाह ने बनाया उलिल अम्र, वो आए अल्लाह का अम्र समझाने के लिए, और अम्र है कौन फयकुन? आखिरी बंदे तक तवज्जो का तालिब हूँ मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मुतवक्किल का दरबार है, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम है। इस जालिम ने कुछ जादूगर बुला के मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की करवाना चाहिए तौहीन। इमाम अलैहिस्सलाम ने दीवार पे देखा, एक कालीन पे बनी हुई थी तस्वीर शेर की, इमाम ने मट्टी पानी नहीं मंगाया, उलिल अम्र था ना, दीवार को देख के कहा शेर बन। जियो सलामत रहो इस इलाके वालों, आप जिए, आपके बच्चे जिए, खुश शादाब चेहरे सलामत रहे, हर बंदा बोलो हैदरी। तो इमाम ने इरशाद फरमाया शेर बन जा, हैं जी। तो आगे फिर क्या हुआ वो बात तो सारी आपको मालूम है। और लई दरख्त पे आ गया विष्कार जी, छलांग लेके दरमियान में आ गया। अब सारा दरबार जहाँ आ जाए शेर इतू जो किधर निकल आवे, तो मजलस तो गई जी, तो जिथे शेर आ जावे अशी साहब, अगर शेर आ जाता यहाँ पर तो क्या होता मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, दरबार में? अच्छा इतु बात क्यों न सुन रहा है, दरबार में तो कोई भागने का रास्ता भी नहीं, और दरमियान में सारे बंद। अब शेर आगे आगे दरबारी, मैं खुदा की कसम सलाम करूंगा उस बंदे को जिसने मेरी अब तक की मेहनत को जहनों में जगह दी है। मेरे भाइयों ये उलिल अम्र है, मैं जिम्मेदारी से एक जुमला कह रहा हूँ, भाई मेरा मेरे पास बैठा हुआ है, बहुत मुताला मेरे अजीज का। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, इस भरे दरबार में थे लाखों बंदे, लाखों बंदे इस दरबार में थे, आखिर बादशाह की दावत थी, बादशाह भी मौजूद था,
लेकिन खुदा की कसम इस उलिल अम्र के इशारे ने इतना बामारिफत बना दिया उस शेर को कि उसने गुस्ताख के अलावा किसी की उंगली पे भी काटा नहीं। क़िबला हैदरी, जिये सलामत रहे, जिये सलामत रहे। क़िबला कैसी मारिफत है इस शेर को, जिसने गुस्ताखी की। खुदा की कसम चैलेंज करता हूँ तारीख की किताबों को, कोई बंदा साबित करे इस शेर में उन गुस्ताखों के अलावा कि जिन्होंने इमाम के सामने बदतमीजी की थी किसी एक बंदे की उंगली पे भी काटा हो। क्या कहने, ये है इमाम। फरमाया जल्दी कर, तो सारे बंदे आगे आगे और वो पीछे पीछे, तो जो कसूरवार नहीं थे वो आगे चढ़ते तो वो छोड़ देता, जो कसूरवार थे उनको पकड़ लिया। बंदे सारे चुप कर गए, हो बात सफीन वाली है, ये आले मोहम्मद हैं, ये उलिल अम्र हैं। और जब मालिक अश्तर ने 70 मारे तो उसने कहा मौला के बराबर नहीं हो गए। तवज्जो चाहता हूँ, मौला ने जब इसने सोचा ना कि आज तो मौला के बराबर मालिक अश्तर ने ज़्यादा मार लिया, तो खुदा की कसम अली अलैहिस्सलाम के सामने बोला नहीं, तारीख गवाह अली के सामने बोला नहीं। इसने सोचा कि आज मैं, इसने बस इतना सोचा कि आज ऐसे लाके आ लो, आज मैं अली घोड़े पे चढ़े एक मर्तबा इस फौज पे किया हमला और दाएं के बाजू को बाएं पे फेंका, मैसरे को मेमने पे फेंका, कलबे लश्कर को उलट के सारी कौम को घुमा के मेरा औला मौला अली मालिक अश्तर के सामने आके कहते हैं मालिक आना या आंता। या रसूलल्लाह, फकत ये जुमला सोचा था कि आज मैं, तो अली ने सारे लश्कर को घुमा के आके कहा मालिक अब बता तू या मैं। हाथ बांध के कहते हैं मजाल नहीं, आप ही आप हैं। लेकिन मौला कितने मारे, कहा 70। कहा सरकार तुम्हें नौकर ने भी मारे तो 70 ही है। सरकार ने इरशाद फरमाया मालिक तेरे सामने जो आए तू मारता है। अली की तलवार इतनी मारिफत रखती है कि जो सामने आता है ना काफिर, पहले उसकी 70 पुश्तें देखती है, अगर 70वीं पुश्त में भी कोई मोमिन हो उसको छोड़ देती है, जो काफिर हो उसे काट देती है। उसकी 70वीं पुश्त में भी मोमिन हो तो अली के हाथ में अगर तलवार आ जाए, बंदे परेशान हो गए, ओए अली के हाथ में तलवार शजरे पड़ ले तो क्या बड़ी बात है, उसके आका मोहम्मद के हाथ पे पत्थर कलमा नहीं पड़ते। मोहम्मद के हाथ पे पत्थर कलमा पड़ते हैं, तो अगर मुस्तफा के हाथ पे पत्थर कलमा पड़ते हैं तो अली के हाथ में तलवार शजरे नहीं पड़ती। अली के हाथ में तलवार शजरे पड़ती है तो अली नकी का शेर बंदों की पहचान नहीं रखता। अच्छा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उसे शेर बनाया ना मौला ने, तो उसने वो जादूगर खा लिए। ये है कुरान में अल्लाह ने एक वाक्या नकल किया कि मूसा के सामने कुछ जादूगरों ने की जादूगरी, तो अल्लाह ने दिया था आसा, उन्होंने फेंका वो सारे खा गया, वो जितने सांप वाप बने थे ना वो सारे खा के बहु चक्कर हो गया, तो दोबारा आसा बन गया। अच्छा जब हजरत अली नकी अलैहिस्सलाम के शेर ने खा लिया ना जादूगर, तो अब बंदे तो सारे भाग रहे थे, वैसे ही डर गए थे, और जो बादशाह था वो भी अब डर डर के कांप रहा था और आके मौला के कदमों में बैठ के थे, सरकार गलती तो हो ही जाती है बंदे से, गलती हो गई, मेहरबानी करो ना इसे कहो ये जादूगर तो वापस कर दे, तवज्जो चाहता ये जादूगर तो वापस कर दे। तो खुदा की कसम अल्लाह के जलाल ने जबरदस्ती से अंगड़ाई लेके कहा ओए मुतवक्किल अगर मूसा के असा ने वो सांप वापस किए थे तो आज मेरा शेर भी जादूगर वापस कर देगा। यानी मौला बताना ये चाहते हैं कि ये आले मोहम्मद का जादू नहीं, ये अल्लाह का मौजजा है, ये हुक्म अहले बैत से सब कुछ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके हाथ पे मौजजे करता है, ये अहले बैत हैं। मेरे भाइयों मेरे अजीजों आले मोहम्मद ने जितनी बसर जिंदगी बसर की है, जहाँ तक जमाने को दीन की तबलीग की है, आले मोहम्मद ने जो किया है वो अल्लाह की मशीयत से किया है, जमाने ने आले मोहम्मद को पहचाना नहीं, ये जमाने की गलती है कि अहले बैत को पहचान नहीं पाए। मेरे भाइयों मेरे अजीजों आपको पता है एक चलो वाक्य सुना देता हूँ, ऐसे हज़ार वाक़ आले मोहम्मद के घर के
वो हिस्ट्री भरी पड़ी है, सारी सीरत की किताबें अपनी जगह पर हैं। एक बंदा आ गया, बस यही वाकया, शाह सब तशरीफ़ ले आए इंशाल्लाह, वो भी हाज़िर होते हैं तो मैं अपनी बात को तमाम करूँगा। मेरे अजीज़ान मोहतरम, एक बंदा आया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास, दुआ करिए, सलावत पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुतवज्जे हैं जी, हैं मुतवज्जे। अजीज़ान मोहतरम, एक बंदा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आता था हर साल, आता कहीं दूर से था, बड़े तोहफे तहाइफ लेके आता था, मौला की बारगाह में हाजिर होता, हज करता, हज के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास आता और आके मौला की खिदमत करता, दो चार दिन रह के मौला के लिए जब भी आता बड़े तोहफे तहाइफ लेके आता। अच्छा, एक दिन वहाँ से चल रहा है ना अपने घर से, तोहफे तहाइफ बांध रहा है, तो उसकी बीवी ने कहा किधे, उसने कहा हज दे, ये क्या, कहा अपने मौला के लिए तोहफे लेके जा, ठीक है करमा ली, उसने कहते कोई दी तू हर बारी लोटी पाई हो कोई बच्चे वास्ते भी रहने दे, साढ़े घर हर्ष है जी, लून मर्च पूरा नहीं, तू हर से चाह के ले जा। उसने उसको समझाया कि वो तमाम है, हमारी उनको ज़रूरत नहीं, उनकी हमें ज़रूरत है, ये अदब है। बहरहाल समझा दिया, समझ गई, चला गया, हज किया, मौला की बारगाह में जो पहुँचा गया जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला इज़्ज़तें अता फरमाए, मौला बुजुर्गें सलामत रखे। अच्छा, वो जब लौट के आया ना मौला के पास, जब वो मौला के पास आया ना तो मौला सरकार ने इरशाद फरमाया कि भाई उठो ना, ज़रा पहले मेरे हाथ धुलाओ, खाना तब खाएंगे। अब जैसे ही मौला के हाथों पर डाला पानी, नीचे से दश्त, खुदा की कसम रिवायत के अंदर, जैसे ही पानी डाला ना तो पानी जैसे ही नीचे गिरा तो मौला ने फरमाया नीचे देखो क्या है, ओंजो नीचे देख। उसने जब नीचे देखा ना, कहा मौला ये तो सुर्ख अकीक है, वजू सब जी बात इंशाल्लाह दिलों में उतरेगी, देखिए या मौला ये तो सुर्ख अकीक है। अच्छा, उस तश्त का एक हिस्सा जब पुर हो गया ना, तीन हिस्सों में एक हिस्सा सुर्ख अकीक, फरमाया और पानी डाल, और पानी डाला ना उसका एक तिहाई हिस्सा और भर गया। सरकार ने फरमाया अब देख मौला ये तो सबज जमुर्द है। अच्छा, एक हिस्सा जो रह गया था ना, मौला ने कहा और पानी डाल, जब और पानी डाला ना तो कहा अब देख, तो कहा मौला ये तो सफेद मोती है। जब ये सारा कुछ हो गया ना, सरकार ने अपने नौकर को बुलाया, कहा इसको बोरी में डाल के दो और उसको कहते हैं जाके अपनी जोजा को देना, उसे कहना मेरे इमाम ने तोहफा भेजा है। हैदरी, मेरे इमाम ने तोहफा भेजा है। बात मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, बात बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट करके आपकी खिदमत में। जैसे ही इसने वो बोरी उठाई लेके पहुंचा घर, और जैसे ही बीवी ने किया ना इस्तकबाल, इसको वहां पहले ही शर्मिंदगी हो गई थी मौला के सामने कि मेरी बीवी ने, मौला का चंगा वाला खिदमत गुजार था, और ये बात करके देखो मौला गुस्सा कर गए या मौला नाराज हो गए होंगे। कहा नहीं, चलो बहरहाल लेके घर आया ना तो वो बोरी गुस्से से उठा के ना उसके सामने फेंक के कहते आल है रोंदी तो फैन आल। अच्छा, उसने जब खोला तो उसका तो होश उड़ गया कि ये हीरे जवाहरात, ये जमुरद, ये अकीक, इतने महंगे पत्थर, और किसी का घर लूट के ले आए हो, कहीं कोई डाका डाल के ले आए हो, कोई काफला लूटा है। कहा नहीं, तो इतना माल कहां से आया, बंदा आया ही नहीं खुदा की कसम, जब डाका भी नहीं डाला तो इतना माल कहां से आया। कहा ये मेरे मौला ने अता किया है, इमाम सज्जाद ने दिया है। कहती है तेरे मौला के पास इतना माल है। कहा ये माल नहीं, मेरे सज्जाद के हाथों का मैल है। ये माल कहां है, ये तो मेरे मौला के हाथों का मैल है। जब पता चला कि इतने अजीम है, उन्होंने यहां से मेरी बात को सुन भी लिया, मोमना हो गई फौरन। और जब अगले साल ये तैयारी करने लगा ना तो अब कहती है भाई अब की बार तू अकेला नहीं जाएगा, अब की बार तो मैं भी साथ जाऊंगी मौला की बारगाह में। चल पड़े, हज किया, सफर जाहिर है कोई हवाई जहाज का तो है नहीं, सहराओं के सफर, ऊँटों के सफर, खेमों में रुकना, रात का पड़ाव,
कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता, इंसान रास्ते में बीमार हो जाता है, दवा नहीं मिलती। खुदा की कसम तारीख के जुमले हैं, जितने बंदे तशरीफ फरमा हो, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिरी के लिए जा रही है, मक्का में हज किया, हज करने के बाद ये मदीना जा रहा है, रोजा रसूल की जियारत भी करूंगा, इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर भी होऊंगा। अभी एक मंजिल पीछे था ना मदीना से, इसकी जौजा हुई बीमार, तड़प के बेहोश हो गई, इसने समझा दुनिया से चली गई है, इसने नब्जों पे हाथ रखा, नब्जों में कुछ भी मौजूद नहीं है, लेकिन वहां अपनी बीवी को छोड़कर भागा मदीने की तरफ। मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, भागा मदीने की तरफ। जैसे ही मदीने की मस्जिद के करीब आया, इमाम अलैहिस्सलाम के सामने, इसका दिल ये था कि इमाम अलैहिस्सलाम से सिफारिश करूंगा, मौला दुआ कीजिए मेरी बीवी बीमार हो गई है, बेहोश हो गई है, उसको अल्लाह सेहत अता फरमाए। जैसे ही इमाम की खिदमत में पहुंचाना, इमाम ने फरमाया, ओए तू अकेला ही आ गया है, तुम अकेले आ गए हो, चले तो दो थे, अकेले क्यों आए हो? कहा, सरकार अगर आपको यह पता है कि हम दो चले थे, आपको यह भी पता है ना कि वो बीमार हो गई थी, उसको मसला बन गया था। सरकार ने कहा, जाओ वो ठीक ठाक है, लेके आओ, हमारी जायरा है। अच्छा, जब इमाम ने कह दिया ठीक है, तो फिर दौड़ा कि ठीक है। अच्छा, अब ये सोच रहा है कि अच्छा इसका मतलब यह है बेहोश हुई है, कोई खुदा ना खास्ता इसको थोड़ा सा सख्ता हो जाता है बंदे को, तो बेहोश हुई है, मैं इधर आ गया हूँ, ठीक हो गई है। गया, जब गया ना खेमे में, तो सामने बैठी हुई थी बीवी, तो उसको कहता है, मैं माफी चाहना, मैं समझा वे तू, हाँ माफी चाहता हूँ, मैंने ये समझा। तवज्जो आखिरी बंदे तक चाहता हूँ, जैसे इसने कहा ना, मैंने समझा कि कहीं तुम मर तो नहीं गई, उसकी बीवी कहती है, बंदा खुदा तूने समझा नहीं, मैं वाकयन मर गई थी। तवज्जो तवज्जो, बुजुर्गाने गिरन, हाँ वाकयन मलकुल मौत आया, मेरी रूह को कब्ज करके। तो कहा, फिर ये तुम जिंदा कैसे हो? कहा, मुझे नहीं पता, बस मेरी रूह को लेके जैसे ही चौथे आसमान पे पहुंचा ना मलकुल मौत, आगे से कोई शख्सियत आई, उसने कहा वापस कर। तवज्जो चाहता हूँ अजीजान, वापस करो, अभी उसका वक्त नहीं है। तो मलकुल मौत मुझे वापस छोड़ के चला गया। अच्छा चलो, उसने कहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चलते हैं मौला जवारी मौला की पे चलते हैं, रोज़े रसूल को ज़ियारत करेंगे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे। लेके चला अपनी बीवी को, मदीने में दाखिल हुआ, गलियां अबूर करते करते आ गया मस्जिद नबी के दरवाजे पर, मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंचा, सामने इमाम खुतबा दे रहे हैं मिंबर पे बैठकर, बंदा आया ही नहीं जिसने तवज्जो नहीं की। जैसे ही अपनी बीवी को लेके दरवाजा मस्जिद पे आया, सामने मिंबर पे है इमाम सज्जाद, इस जौजा की जैसे ही निगाह पड़ी ना इमाम सज्जाद पर, अपने शौहर का कंधा पकड़ लिया, कहा ये सामने कौन है? कहा यही तो इमाम सज्जाद है। कहा इस इमाम की इज्जत की कसम, यही तो वो शख्सियत है जो चौथे आसमान पे आके मलकुल मौत से कह रहे थे वापस कर, हमारी जियारत को आ रहे। जी आप जी हैं, हाथ बुलंद जी, हाथ बुलंद, इतने बंदे हैदरी वापस कर, ये तो हमारी जियारत को आ रही है, ये तो हमारी जियारत को आ रही है। अच्छा बंदे, तुम पता है हम तुसी जमाने चलाने वाले बंदे हो, सारे लोग मुआशरती लोग हैं, कई लोग बड़े शरीफ होते हैं, बड़े मुत्तकी होते हैं, बड़े मोमन होते हैं, कई बंदे शैतान के सिपाही होते हैं, बड़े बड़े फनकार लोग होते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। तो हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद कर लिया ना इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके, बंदों ने समझा भाई इमाम हुसैन दुनिया से चले जाएंगे, दीन शीन सारा ख़त्म हो जाएगा, मामला ही ख़त्म हो जाएगा। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये ख़त्म तो नहीं हुआ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तो अब उन्होंने दूसरा काम शुरू किया, साजिशें, इस्लाम में साजिशें करना शुरू की। अच्छा साजिश क्या है? सानू शहीदा बर्बाद कर सके, जी जी करना लिया, बाबा जी करके सन आपस ही लड़ा के, जिते दो चार घर शहीदा लिया, खैर कोई नहीं आपस में, अल्लाह खैर करे, लेकिन आपस में इख्तलाफात चीज़ें ये पैदा होती हैं, वाह वाह करके, ओ जी तुम एडे वे थे, ओ निके सैयद थे, तुम वे सैयद, सैयद सैयद होते हैं यार, नबी की औलाद होते हैं, निके वे क्या होता है? वो कुछ बंदे आ गए हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हज़रत मोहम्मद हनफिया के पास,
और मोहम्मद हनफिया का आपको पता है वो अली अलैहि सलाम के बेटे हैं, इमाम हुसैन के भाई हैं, इमाम सज्जाद के चचा हैं जी। गौर फरमाएंगे तो जुमले का लुत्फ आ जाएगा। मेरे अजीज़ों, वो आए हज़रत मोहम्मद हनफिया के पास और आके दाएं बाएं बैठ के कहते हैं जी शाह जी जान ले कि तुसी वड्डे ते इमाम सज्जाद हो निक्के ते इमाम तो तुहानू नहीं होना चाहिए। उन्हें थोड़ी जुबान ही तंग गल की जी, बंदे गल समझ के बोलन तुम उठ का चुप कर गए तो फिर मैं उर्दू ही ठीक है, मैं अपनी जुबान तो बोला है ऐसा मजा आती भाई ना वह तो हल्लो जुल्लो खुदा दा ना ही नहीं। अच्छा तो मेरे भाइयों मेरे अजीजों, वो हजरत इमाम सज्जाद के मुकाबले में खड़ा करने के लिए मोहम्मद हनफिया के पास, सरकार आप बड़े हैं, आप चचा हैं, वो भतीजे हैं, आप अली के बेटे, आप तो इमाम हुसैन के भाई, इमाम आपको नहीं होना चाहिए सरकार, वो तो छोटे हुए ना भतीजे, और फिर वैसे भी करबला और शाम में उन्होंने इतने दुख उठाए हैं कि कौम को संभालना अब उनकी बस की बात तो नहीं ना। सरकार आप बड़े अली के बेटे, आप बड़े शुजा, आप बड़े बहादुर, तो यानी तवज्जो है तो इमाम आपको नहीं होना चाहिए। तो हज़रत ने फरमाया कि देखो इमाम इमाम सज्जाद है। अब कुछ बंदे हज़रत मोहम्मद हनफिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि तारीख़ में ये वाक़या मौजूद है, या ये वाक़या तारीख़ से निकाल दो या हज़रत मोहम्मद हनफिया के ख़िलाफ़ बातें करना छोड़ दो। क्योंकि हज़रत मोहम्मद हनफिया ने जब इनको समझाया ना इमाम सज्जाद हैं तो ये नहीं माने, तो हजरत मोहम्मद हनफिया ने इनका हाथ पकड़ा और लेके वहां आ गए जहां इमाम सज्जाद मौजूद थे। इस इलाके के शरीफ और अकलमंद बंदे हो, अगर हजरत मोहम्मद हनफिया अपने आप को इमाम समझते होते तो कभी चल के भतीजे के पास ना आते। गौर फरमाए ना, गौर फरमाए, चल के पूरी जमात को लेके बारगाह सज्जाद में आना इस बात की दलील है कि वो अपने आप को नहीं बल्कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को इमाम समझते थे। और है जनाब, अच्छा लेके आ गए हजरत इमाम सज्जाद के पास, और इमाम सज्जाद कहाँ थे? इमाम सज्जाद थे खाना काबा के पास, मक्का में खाना काबा के पास कर रहे थे इबादत। हजरत मोहम्मद हनफिया आए, आके हजरत इमाम सज्जाद के पास बैठ के बैठा, कहा जी चचा जान ये कुछ बंदे आ गए मेरे पास, मुझे कहते हैं आप इमाम हो। तो चचा जान आपने क्या फरमाया? मैंने कहा कि सज्जाद इमाम है। तो कहा चचा जान बात तो खत्म हो गई। कहा खत्म नहीं हुई, ये मानते नहीं है, ये दलील चाहते हैं। बंदा आया नहीं जिसने तवज्जो नहीं की मेरे भाइयों मेरे अजीजों। कहा ये दलील चाहते हैं, खाना के काबा के पास तो पहले ही खड़े थे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा खड़े हो जाइए सारे, लाइन बना के काबा की तरफ मुंह करें, मोहम्मद हनफिया का मुंह भी खाना काबा की तरफ, इमाम सज्जाद बाकी लोग भी खाना काबा को देख रहे हैं। इमाम सज्जाद ने मुस्कुरा के कहा ये जो पत्थर है ना हजरे अस्वद, ये यहाँ का पत्थर नहीं, ये आया है जन्नत से, ये अल्लाह ने दलील बना के भेजा है। ए चचा जान आप भी इसको सलाम कीजिए, मैं भी सलाम करता हूँ, ये पत्थर जिसके सलाम का जवाब दे वही अल्लाह की हुज्जत है, वही अल्लाह की हुज्जत है। तो जनाब तारीख में ये वाकया मौजूद है कि हजरत मोहम्मद हनफिया ने किया सलाम ते हजरे अस्वद तवज्जो ही नहीं फरमाई जी। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए हजरे अस्वद तुझे सलाम हो, तो पत्थर ने अरबी जुबान में बोल के कहा वा अलैकस्सलाम या हुज्जत अल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत आप पर भी सलाम हो। अच्छा मैं थोड़ी हूँ जान छड़ देनी आई, लेकिन पीछे शाह और कोई नहीं आया, ज्यादा हूँ थोड़ी देर है इजाज़त जी, बिस्मिल्लाह हम कैसा बात है ना पीछे आ जाते तो मैं चलिए मैं शाह और उन पे आखदा किबला आ जाओ शमशीर कादमी साहब, ताकि मैं अब इनके और आपके दरमियान में हायल ना हो जाऊँ। चलो तो जब तक शाह जी आते हैं वाकया पूरा कर दूँ, बोर हो रहे हो या गल करा? मेरी कोशिश है मैं छड़ दें थोड़ी जान, हूँ शाह और कोशिश नहीं तो मैं की कर सकना मेंबर को जी तुसी नहीं जी सलामत रहे आप। अच्छा कुछ थोड़ा अरसा गुजरा तो ये बंदे अब मक्का से सरकार आ गए मदीने, बंदे तो अंदर से शैतान के सिपाही माफी दें दे वो मोड़ आ गए, किबला जड़ी पहले गल की अस गल तो हो हो तो तुम वे हो अली पुत्र आपको इमाम होना चाहिए।
अच्छा फिर उन्होंने बाजू पकड़ा, तवज्जो, खुदा की कसम क्या खूबसूरत तारीख का ये झरोका है जो मैंने आपकी खिदमत में खोल दिया है। फिर हाथ को पकड़ा, ले गए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फकत गुरबत पे रोते नहीं थे, इमाम अलैहिस्सलाम की तिजारत थी, इमाम की ज़राअत थी। 500, ये है सैयदुस्साजिदीन, 500 दरख्त खजूर के इमाम सज्जाद के थे, हर दरख्त के नीचे हर रोज 2 रकत नमाज पढ़ते थे इमाम सज्जाद। कैसी इबादत, रातों की इबादत, दिन की इबादत, साथ में काम और गुलाम, गुलामों को खरीदना, उनको पढ़ा के आलम बना के आज़ाद करना, ये तरीका इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन का उस वक्त इख्तियार किया। चूंकि यजीद की हुकूमत थी, उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को छोड़ा हुआ तो नहीं था, आज़ादी तो नहीं थी, लेकिन मेरे भाइयों वो अपने खेतों में सरकार काम काज के लिए गए हुए थे। हजरत मोहम्मद हनफिया के पास ये बंदे आए, नहीं जी इमाम आप हैं, वो निकले इमाम को ढूंढते ढूंढते खेतों में आ गए। अब जब खेतों में देखा सज्जाद मौजूद हैं, एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत मोहम्मद हनफिया बंदों को लेकर आ गए, सज्जाद जी चचा जान ये फिर आ गए हैं, फिर आ गए, कहते हैं आप इमाम हो। कहा मौला बताया तो है कि मैं इमाम हूँ। कहा ये दलील चाहते हैं। तो अब सरकार ने कहा अच्छा तो अब हम दलील बदल देते हैं। सरकार ने यूं निगाह की, दूर एक बकरी घास चर रही थी, कहा ऐ चचा जान, इमाम फकत इंसानों का इमाम नहीं होता, इमाम कायनात की हर चीज का इमाम होता है। अगर आप इमाम हैं, इस बकरी को बुलाएंगे, आपकी बात का जवाब दे, अगर मैं इमाम हूं तो मेरी बात का जवाब देगी। हजरत मोहम्मद हनफिया ने आवाज दी, बकरी सज्जाद बुलाता है, खाना पीना छोड़कर मौला की बारगाह में मुतवज्जे होकर अपनी जुबान में, अरबी जुबान में, तारीख में लिखा हुआ अरबी जुबान में बोल के कहती है, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह इब्न ज़हरा, ऐ ज़हरा के बेटे मैं भी तेरी मुरीद हूं, मैं भी तुझे सलाम पेश करूं। हम आपके मानने वाले हैं, सारी कायनात पे आपकी हुकूमतें हैं। बस अजीजो खत्म हो गई आखिरी बात, और मुसाहिब का जुमला पढ़ रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, थोड़ा वक्त और गुजरा, बस ये बात देखो मैंने यहाँ से शुरू की, मेरी अगली गल इत्थे ते जिहड़ी हुण मैं करूँगा ना, ये मैं अखीर ते रखी हुई क्यों है? तुसी शमशीर शाह नूं अखीर ते क्यों पढ़ांदे हो? चंगा पढ़ लैंदे ते मैं जिहड़ी गल अखीर ते करूँगा मैं तां ही रखी हुई है, देखो गल च वजन है, सर उठाओ तो फिर लो वसूल करो। मेरे भाइयों, ये बंदे थोड़े अरसे के बाद फिर आए मदीने की मस्जिद में, इमाम पढ़ रहे हैं नमाज, ये फिर आगे हजरत मोहम्मद हनफिया के पास, सरकार आप क्यों नहीं मानते, आप बड़े हैं, तुसी इमाम हो, जिया वडेरे तुसी हो, अली दे पुत्र तुसी हो, ओ काल तक हैं जी, आप इमाम, आप इसरार, बहुत समझाया सरकार ने लेकिन वो समझे नहीं। इमाम सज्जाद हैं, उन्होंने बहुत समझाया, वो पहले भी तुम्हें दलीलें दी थी, वो तुम्हें लेके गए थे, हजरे असवद बोल पड़ा तुम नहीं माने, बकरी बोल के बता गई तुम नहीं माने, कहाँ की खेत की मूली हो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, तुम्हारा जहन है या नहीं? अः मैं गल लमका इस वास्ते लगी जिशारी मेरे को बोला, एक सलवार पढ़ लो मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद की जात पर, बिस्मिल्लाह मेरे भाई, बिस्मिल्लाह सरकार, सलामत रहिए, सलामत रहिए जी, आप भी कहेंगे आगे शावरी हम गल करिए, शावरों को भी इजाजत ले लेना, बिस्मिल्लाह जो सिर चाहो तो फिर गल आगे। मस्जिद नबी जी पहले क्या था हम बोलो, गल याद हो या नहीं, तुम्हारे तवसुत ना बच्चों को भी बात याद हो जाए। पहले आए इमाम सज्जाद की बारगाह में तो क्या कहा, पत्थर गवाही देगा, हजरे असवद ने गवाही दी। दूसरी मरतबा फिर आए तो मौला अपने खेत में थे, बकरी ने फसीह जुबान अरबी में इमाम की इमामत की गवाही दी। फिर तीसरी मरतबा आ गए, आके कहते हैं जनाब इमाम तो हैं आप, उन्होंने फिर पकड़ा लेके आगे मस्जिद नबी में, सरकार वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, सज्जाद जी चचा जा ये फिर आ गए, सिर चाहो यार ये फिर आ गए, ये कहते हैं आप ही इमाम हैं। तो कहा चचा पहले जो बताया था इमाम मैं हूँ,
कहा ये दलील मांगते हैं। कहा अच्छा तो फिर हम दलील बदल देते हैं। और खुदा की कसम इस इलाके वाले शियो, हजरत इमाम सज्जाद अलैहि सलातो सलाम ने दलील को बदल दिया। हजरत मोहम्मद हनफिया का पकड़ा हाथ, इस जमात को लिया साथ। अब किसी खेत में नहीं गए, अब किसी पहाड़ पे नहीं गए, आ गए जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में। एक मुर्दे पे कब्र पे खड़े होके हजरत ने कहा, जो इमाम होता है वो जिंदा का भी इमाम होता है, वो मुर्दा का भी इमाम होता है। अगर आप इमाम हैं तो मुर्दे से कहिए कब्र से बाहर आए, आपकी इमामत की गवाही दे। आप हजरत मोहम्मद हनफिया ने सारे जमाने को देखा, इमाम को देख के कहते हैं जिसके साथ पत्थर नहीं बोलता, जिसके साथ बकरी नहीं बोलती, उसके पास मुर्दा बोलेगा, उसके साथ मुर्दा कलाम करेगा। ऐ सज्जाद आप ही बुलाओ इस मुर्दे को। इमाम ने कदम से ठोकर मार के कहा कौम बेइज़्निल्लाह, कब्र से अपने सर से गिर्द को झाड़ता हुआ बाहर निकला, दोनों हाथ सर पे रख के कहते अस्सलाम अलैका या हुज्जत अल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत आपको सलाम हो, ऐ इमाम सज्जाद आपको सलाम हो। जमाना इसलिए अहले बैत का घर नहीं लूट रहा था कि उनको मारिफत नहीं थी। नहीं अजीजो, लोगों ने पहचान के लूटा है घर को। तो एक जुमला लंबा मसाइल में शाजी में सर, बस एक जुमला। अभी तक आपने जितने मसाइब सुने ना, मुहर्रम गुजारा है, मैं सैयद हूँ, आपको सलाम कर रहा हूँ कि आपने अपने घर बार छोड़ के दोनों बेटियों के साथ लेकर अपने कारोबार की फिक्र नहीं की, कारोबार की फिक्र नहीं की, हर चीज़ को छोड़ छाड़ के 10 दिन मुसलसल सफेजा को जाके बकरी को उसके घर का पुरसा पेश किया है। अल्लाह आपके घरों को आबाद शाद रखे। जो आपने 10 मुहर्रम को सुना वो यहाँ तक था, एक बात उसमें रह गई जो आपने नहीं सुनी। बात करबला की है, मैं चाहता हूँ सुना के शादी को नंबर दे दूँ। बात एक है लेकिन समझने से ताल्लुक रखती है। देखो कई बंदे कहते हैं जी ये मसाइब की रिवायत सख्त पड़ गई है, ये मत बोला करो सख्त पड़ गई। जो गलत झूठ पढ़ के जाए बोला करो ये झूठ पड़ गए, जो बात रिवायत में नहीं है वो झूठ है। पर झूठ पढ़ना मिंबर पे आले मोहम्मद के लिए ये गुनाह है, ये गलत है। लेकिन जो किताब में मौजूद है ना, उसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नस्लों को पता नहीं चलेगा कि जालिमों ने जहरा का घर लूटा कैसे। देखो किताबें तो आपके बच्चे नहीं पढ़ते कि वो पढ़ लें और उनको पता चल जाए, फिर ये हमारी कौम अवेयरनेस कैसे हासिल करेगी, इनको कैसे पता चलेगा। लिहाजा रिवायतें बहुत सख्त हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमें पढ़ने दिया करें ताकि हमारी आइंदा नस्लों को पता चले कि जुल्म कैसे कैसे हुआ। तो रिवायत में बहुत सख्त रिवायत है जो अमूमन पढ़ी नहीं जाती, वो पढ़ने लगा। मैं बुज़ुर्गों से जवानों से माफ़ी मांगा, शाजी मौजूद हैं। रिवायत का जुमला देखिए, आपको पता है लेकिन बस मैंने तवज्जो दिलानी और मेंबर छोड़ देना, एक लम्हे से पहले आपकी सोच से पहले मैं मेंबर छोड़ रहा हूँ। देखिए गरीब जहरा का बेटा सुबह से लाशें उठाने लगा जी, 10 मुहर्रम आओ ना ज़रा करबला चले, अपने तसव्वुर को लेके आओ करबला में चलते हैं। सुबह से लाशें उठाने लगे जी, पहला लाशा उठाया होर के जवान बेटे का है, पहला लाशा होर के जवान बेटे का। उठाते उठाते लाशें, काम क्या था करबला में ज़रा देखना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक असहाब के दरमियान और एक खैमा अहले बैत के कनात खैमों के अंदर वक्फ कर दिया था, जहाँ पे मौला जनाजे उठा के लाते थे तो वहाँ रखते थे। असहाब के जितने लाशें थे वो बाहर वाले खैमे में, यानी हबीब का लाशा भी लाए, मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा भी लाए, और का लाशा भी लाए, उसके बेटे का लाशा भी लाए, सारे लाशें एक बड़े खैमे में इमाम अलैहिस्सलाम ने रखे। जब अपने बच्चों की बारी आई तो अकबर का लाशा लेकर आए, आके उस खैमे में रखा जो सैदानियों के खैमों के अंदर था। अब मैं मातमियों को और अपनी माँ बहनों को मुखातिब करूँ जिसका अकबर सामने पड़ा हो, शियो मातमियों
जिसका अकबर सामने पड़ा हो, पूरा दिन अली की बेटियों के सामने अकबर का लाशा भी पड़ा था, औनो मोहम्मद का लाशा भी पड़ा था, सारे शहीदों के लाशें। अब बताओ इन जवानों के लाशों के दरमियान अली की बेटियों की हालत क्या होगी? खुदा की कसम चुप वही थी जो बेहोश थी। मैंने कह दिया जुमला मातम का, चुप वही थी जो बेहोश थी। प्यासी अली की बेटियां रो रो के भी थक गईं, खुदा की कसम तड़प तड़प के थक गईं, बेहोश हो के थक गईं। पूरा दिन अली और बतूल की बेटियों के दरमियान सामने खेमों के दरमियान एक खेमा जिसमें इन सारे जवानों के लाशें मौजूद हैं। ओ मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मर जाता मैं ये जुमला न पढ़ता कि जब जहरा का 3 दिन का प्यासा घोड़े से उतरा और बहनें 70 कदम के फासले पर आईं, इस जालिम ने क्या किया? बहनों के सामने खंजर लेके पत्थर पे मारना शुरू किया। पत्थर पे मारना, खंजर खुंडा कुंद खंजर लाके इमाम हुसैन सजदे में है, पहले पुश्त पे सवार हुआ और इसने जरबे चलाई नहीं, मुझे माफ करना, जरबे चलाई नहीं बल्कि जरबे मारना शुरू की कुंद खंजर के साथ। इमाम हुसैन, बहने देख रही हैं, मिन्नते कर रही हैं, रो रो के कह रही हैं जालिमो एक बच गया है, जालिमो 3 दिन का प्यासा है, और जालिमो अकबर की मौत का मरा हुआ है, छोड़ दो कुछ लहजे बाद खुद ही मर जाएगा। लेकिन जालिम कत्ल करते रहे, कत्ल करते रहे, और खुदा की कसम उस वक्त खून की बारिश हुई, आंधियां चली, जमीन और आसमान को जलजला आया जब इस जालिम के हाथ में हुसैन का सर था। बीबियां 70 कदम पे तड़प तड़प के बेहोश थी, इन जालिमों ने नोके नेजा पर हुसैन का सर बुलंद किया, नोके नेजा पर हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बुलंद किया। यहां तक बात मैंने समझाना थी, अब 1 मिनट या 2 मिनट मैंने आपके लेने हैं, मैं जहमत तमाम कर रहा हूं। हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नोके नेजा पर बुलंद करने के बाद ये मुसलमान कहां गए? ये मुसलमान कहां गए? किबला तारीख ने यह जुमले लिखे कि जालिमों ने एक सर नोके नेजा पर बुलंद किया ना, अब इन्होंने मशवरा किया कि बाकी सर भी इकट्ठे किया जाए। बाकी शहीदों के सर तो थे लाशों के साथ साथ, अब ये जालिम घुस गए खैमों में, कोई हर का सर काट रहा है, कोई मुस्लिम इब्ने औसजा का सर, कोई अकबर का सर काट रहा है, सारे सरों को काट के उमर इब्ने साद के सामने लाए। जब सारे सर गिने ना, कहा ये सारे सर तो आ गए, एक सर मौजूद नहीं है। कहा कौन सा सर? कहा वो नन्हे मुजाहिद का सर जिसे हुरमला ने तीर मारा था। कहा वो सर गया कहां, वो बच्चा गया कहां? एक जालिम ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा था, खेमे के पीछे शब्बीर उसे दफन कर रहे थे, जालिमों ने तीर अंदाज लिए, जालिमों ने नेजा बरदार लिए, आए और खेमों के पीछे नेजे मारने शुरू कर दिए। हाँ ये नेजे खाके करबला में नहीं बल्कि रुबाब के कलेजे में लग रहे हैं। और इस इलाके वालों, एक नेजा जमीन में उतरा, नेजे का बाहर आना था रुबाब का चांद। اللهم صل على محمد وآل محمد। इस्लाम का शबाब है मजलिस हुसैन की, इस्लाम का शबाब है मजलिस हुसैन की, और तारीख की किताब है मजलिस हुसैन की। सुनता खुदा भी आके होता वजूद में, इतना बड़ा सवाब है मजलिस हुसैन की। हुण तुहाडे सामने उस्ताद ज़ाकरीन, सैयद ज़ाकरीन, सरकार अलामा सैयद शमशीर हुसैन काजमी। परसों लंगर वाले थे मजलिस इमाम हुसैन बरपा हो रही है, जिसे पढ़ने वाले ज़ाकरीन अलामा जाबिर हुसैन नजफी, सरकार अलामा सैयद शमशीर हुसैन काजमी वो खिताब कर सन। लंगर इमाम हुसैन का वसी इंतजाम है। हम थोड़े सामने सैयद ज़ाकरीन, सरकार अलामा
सैयद शमशीर हुसैन कादमी जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमा रहे इन्हें दी सेहत और सलामती वास्ते मिलके बुलंद सलवार Yeah, as you can.